घर के अंदर हुआ है नॉमिनेशन का टास्क, और इस नॉमिनेशन के टास्क में आखिरकार कौन कौन से सदस्य हुए हैं नॉमिनेट, क्या आ रही है सेट से खबर, चलिए हम आपको बताएंगे टीवी धमाका पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानते ही हैं कि बिग बॉस के घर के अंदर हुआ है अब नॉमिनेशन का टास्क। जिस तरीके से कल का पूरा एपिसोड रहा, ऐसा लगा कि मानो पूरा शो सिर्फ और सिर्फ चाहत के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और ऐसे में अब यहाँ पर चाहत नॉमिनेशन में आई है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर चाहत के खिलाफ पूरा का पूरा विवियन और उसका ग्रुप यानी कि अविनाश, ईशा, एलिस है, इन चारों ने ही चाहत को नॉमिनेट किया है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो अविनाश से भी पूरा घर परेशान है, और यहाँ पर अविनाश ने जिस तरीके से चाहत के साथ अपनी लड़ाई को इतना ज़्यादा आगे बढ़ा दिया है, वो घर के कई लोगों को पसंद नहीं आ रही। लोगों का मानना है कि अविनाश कुछ चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा कर रहा है, और इसीलिए यहाँ पर जो दूसरा सदस्य नॉमिनेटेड है वो है अविनाश। तीसरा सदस्य जो नॉमिनेटेड है वो है इस घर का वो सदस्य जिसे बहुत कम जो है किसी भी मुद्दे में ओपिनियन देते हुए देखा गया है। आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं शहजादा की। शहजादा काफ़ी समय से शो में है, लेकिन बात की जाए उसके कंट्रीब्यूशन की तो किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आता, और ऐसे में शहजादा भी इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट हो चुका है। बिग बॉस ने चाहत को एक पावर दी थी अविनाश के अलावा किसी और को भी नॉमिनेट करने की, तो यहाँ पर उसने किया है बग्गा को नॉमिनेट। वो जानती थी कि अविनाश को तो वैसे भी पूरा घर नॉमिनेट करने ही वाला है, तो जब उसे दो नामों की पावर मिली, जो दो नाम सीधे सीधे नॉमिनेट हो जाएंगे, उसमें एक अविनाश और एक बग्गा का नाम शामिल था। इसके अलावा शिल्पा भी इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट हुई हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि शिल्पा इतनी जल्दी बाहर नहीं जाएंगी। तो आपको क्या लगता है कि जो पांच सदस्य नॉमिनेट हुए हैं उसमें किसका पत्ता इस हफ्ते कट सकता है? अविनाश, शहजादा, चाहत, शिल्पा और तजिंदर बग्गा, ये पांचों में से कौन?